नाजरीन, पीटीआई का काफिला जीरो पॉइंट पहुंच चुका है। पुलिस की जानिब से जो है वो शैलिंग, कारकुनान की जानिब से पथराव, और गुज़िश्ता रात क्या हुआ था, ये तमाम तफसीलात जो है मैं आपको आज के इस व्लॉग में दूंगा। आपको मेरी कोशिश है कि वो मनाजिर दिखाए जाएं, वो तमाम तफसीलात दी जाएं, और इसलिए जो है वो ऑफ एयर होकर मैं तमाम तफसीलात जो है अब तक पहुँचाना चाहता हूँ, और वो वीडियो वो मनाजिर दिखाना चाहता हूँ, तफसीलात बताऊँगा। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। चार एहलकार जो हैं वो शहीद, जबकि पांच जख्मी हुए हैं। और सबसे पहले आपको ये अहम खबर जो है उसकी डिटेल्स दी जाएं और वो तफसीलात शेयर की जाएं, वो वीडियोस दिखाई जाएं कि कहा यह जा रहा था कि पीटीआई का जो ये एहतजाज है ये पूरा मन एहतजाज है, लेकिन यहाँ पर हमने फुटेजेस वो देखी हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आवाम तक वही बात पहुँचाएँ जो हमें दिखाई दे रही है, जो मनाजिर हम जो हमने देखे हैं, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनको जलाने की खबरें आई हैं और ये फुटेजेस आप देख सकते हैं। दूसरी जानब मोटरवे के मुख्तलिफ जो है वो अतराफ में आग लगाने के वाकयात भी सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शहरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे चार रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शहीद, जबकि पांच रेंजर्स और पुलिस के दो जवान शदीद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और शहरपसंदों की जानिब से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के चार जवान जो हैं वो शहीद और पुलिस के दो जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें मुतद्दिस शदीद जख्मी हैं। और आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को बुला लिया गया है और वाजह जो है वो ये किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि इंतजार फैलाने वालों को मौके पे गोली मारने के वाजह अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं। हालात बहुत कशीदा हैं और यहाँ पर पीटीआई के काफ़िले की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त पीटीआई का काफ़िला जो है वो कहाँ पहुँचा है। ये अहम जो तफसीलात हैं, सबसे पहले हम आपको जो है वो दे रहे हैं, तमाम डिटेल्स जो भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, और ख़ास तौर पर आपको ये बताएंगे कि रात को क्या हुआ था। गुज़िश्ता रात को जो मुलाकात हुई है वो बड़ी ही अहम मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात जो है वो बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी जानिब से की गई थी, और इमरान खान से ये जो मुलाकात के अंदर की जो कहानी है वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान ने क्या कहा और आगे क्या होने वाला है। इमरान खान जो हैं उनकी जानिब से बानिए पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं उनकी जानिब से बयान भी अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया है। इस बयान में उन्होंने क्या रिकॉर्ड करवाया है वो तफसील आपको सब साथ शेयर करेंगे। ये मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की क्यादत में पीटीआई का काफिला जीरो पॉइंट पुल पहुंच गया है और वहां से डी चौक की जानिब रवा दवा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं पर मुश्तमिल काफिला अब इस्लामाबाद के जीरो पॉइंट के मकाम पर पहुंच चुका है और डी चौक की जानिब आगे बढ़ रहा है। इससे कबल तहरीक इंसाफ के काफिले G11 और G9 से गुजरा, जहां पुलिस और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम हुआ, जबकि इस वक्त भी दोनों जानिब से एक दूसरे पर जो आंसू गैस और शेलिंग जो है वो जारी है। पीटीआई के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर भारी पथराव जो है वो किया जा रहा है। और गुज़िश्ता रात क्या हुआ तो आपको बताते हैं, गुज़िश्ता रात जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान के एहतजाज के लिए मुतबादल जगह के हामी जो है वो भरने के बावजूद बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया था, और बुशरा बीबी ने हर सूरत जी चौक जाने का इसरार किया। बुशरा बीबी का कहना है कि चंद साजिशी अनासिर डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें जो है वो रोकना चाहते हैं, और इमरान खान ने मुझे हर सूरत डी चौक जाने का कहा है, और डी चौक से कम किसी से मुज़ाकरात और फैसले पर जो है कारकुनान राज़ी नहीं है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकराती मामलात पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए रखी है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी कोई फैसला जो है वो नहीं कर सके। पीटीआई के ज़राए के मुताबिक जो है पीटीआई की मरकज़ी क़यादत धरने के लिए हतमी मकाम का तयन जो है वो करने में नाकाम नज़र आती है। मरकज़ी क़यादत में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पीटीआई के ज़राए के मुताबिक जो है अली अमीन जो हैं वो ये कहते हैं के कारकुनान इस्लामाबाद हतमी मकाम तक ले जाने के लिए राबताकारी में मुश्किल है हो रही है, और इससे कबल बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफद की बानी पीटीआई इमरान खान से जो है वो दूसरी मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के लिए रवाना हुए थे। और यहाँ बात करें पीटीआई के वफद की, इमरान खान से 40 मिनट जो है वो मुलाकात रही है, और क़्यादत में पीटीआई वफद की इमरान खान के साथ 40 मिनट तक जो है मुलाकात रही, बातचीत की गई। बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज और हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में बानी पीटीआई जो हैं उन्हें आगाह किया, और इससे
दूसरी अहम जो है बहुत ही अहम मुलाकात समझा जाएगा, क्योंकि ये दूसरी अहम मुलाकात हुई है इमरान खान ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनान के लिए। अहम जो पैगाम है वो रिकॉर्ड जो है वो करवाया था, और इमरान खान के वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाने के बाद बैरिस्टर गौहर बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम दिखाने के लिए रवाना हुए थे। और बानी पीटीआई इमरान खान की वीडियो पैगाम सुनने के बाद बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की क्यादत की जानिब से आइंदा लाए अमल के ऐलान का इम्कान था। और इमरान खान के वीडियो पैगाम में हुकूमती तजवीज़ में से एक पर इत्तफाक किया गया है। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने कहा था कि हमने मुजाहिरीन से कहा था कि डी चौक पर जिसने भी जलसा किया कभी इजाज़त नहीं मिलेगी, दरख्वास्त दें और जो है वो वापस चले जाएं। वज़ीर दाखला का कहना था कि पीटीआई क़यादत मुलाकात के लिए दो मरतबा जो है डियाला गई, उन्होंने वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई है, चाहे दफ़ा 144 नाफिज करनी है या हमें इंतहाई जो इकदाम तक जाना पड़े, पहले ही बता रहे हैं कि नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये वाज़ह हुकूमत की जानिब से पैगाम दे दिया गया है कि अगर कोई वहाँ पर पहुँचेगा, रेड लाइन क्रॉस करेगा, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। हालात नाज़रीन जो हैं वो बड़े कशीदा हैं, और तमाम तफसीलात जो हैं हम आपको बता रहे हैं। ये जो सूरत हाल है वो अगर हम बात करें रास्तों की बंदिश की, तो रास्तों की बंदिश के बायस जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है। और दूसरी जानब अगर हम बाकी जुड़वा शहरों की बात करें, तो जुड़वा शहरों में लाहौर, फैसलाबाद और दीगर जो शहर हैं वहाँ पर इस वक्त दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरीों को आमदरस्त नहीं परेशानी का सामना, और उसकी वजह से जो सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं वो भी एक तरफ हम बात करें तो काफ़ी महंगी हो रही हैं।